नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ की यही नजर डालते हैं आज की खबर पे। बसपा के प्रदेश दो अध्यक्ष जो कि सलेमपुर लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आज उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अपने नामांकन के लिए सलेमपुर से भागलपुर होते हुए बलिया नामांकन के लिए गए, जिनके नामांकन में भाटपा रानी से सपा के विधायक बबलू उपाध्याय, सपा के राम गोविंद चौधरी और बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम दास खरवार थे। प्रदेश अध्यक्ष ने गाड़ियों के काफिले से अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाकर विरोधियों की नींद हराम कर दी। इस बाबत प्रत्याशी व प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि सबसे पहले सलेमपुर लोकसभा का संपूर्ण विकास जो अधूरा है, गांव-गांव घूम रहा हूं, देख रहा हूं आधा अधूरा काम हुआ है, बहुत काम करने की जरूरत है, कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है, स्वास्थ्य शिक्षा और जो भी मूलभूत समस्याएं होंगी उसको प्राथमिकता से करूंगा। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुद्दा, अगर आप सलेमपुर से सांसद बनते हैं तो सलेमपुर के लिए क्या आपने सोचा है, क्या आपका ये होगा विकास का एजेंडा होगा सलेमपुर के लिए? पहला काम होगा सलेमपुर क्षेत्र का संपूर्ण विकास, जिसकी जो अभी अधूरा है, क्योंकि मैं गांव-गांव घूम रहा हूं और देख रहा हूं कभी सलेमपुर में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और कानून व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ है इधर, और विकास के नाम पर अभी कोई काम बहुत कम दिखता है यहाँ पर, और मुख्य रूप से जैसे कई जगह हॉस्पिटल की ज़रूरत है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, जो भी मूलभूत समस्या है जनता की उसको प्राथमिकता हमारी रहेगी और प्राथमिकता का, और जो भी अधूरे काम है विकास की पूरा करने का। धन्यवाद।